सुबह सुबह गौरी कौवी तोते के घर जाती है और तोते की पत्नी सुंदरी से कहती है, सुंदरी सुंदरी, हमें घास का घोंसला बनाना नहीं आता, आप चले और हमारी मदद करें। तभी सुंदरी गौरी से कहती है, हर सर्दी में मैं तुम्हारा घोंसला बनवाती हूँ, आखिर आप याद क्यों नहीं रखती? देखो, इस बार मैं अपना घोंसला पहले बनाऊंगी और बाद में किसी की मदद करूंगी, आप जाए किसी और से मदद ले। तभी गौरी कौवी सुंदरी से कहती है, सुंदरी बहन, कैसी बातें कर रही हो, पहले हमारा घोंसला बनवा दो, अपना तुम बाद में बनवा लेना। तभी सुंदरी कहती है, नहीं गौरी, नहीं, मैं इस बार अपना घोंसला पहले बनाऊंगी, हर बार मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ, आप जाए यहाँ से। तभी गौरी कौवी कहती है, हाँ हाँ जाती हूँ, जरा सा पूछ क्या लेती हूँ, तुम तो इतराने ही लगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुंदरी भी अपने पति मिट्ठू तोते के साथ घोंसला बनाने में व्यस्त हो जाती है। इधर कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी तुम अकेले ही आई हो, सुंदरी कहाँ है? तभी गौरी कहती है, सुनिए जी, क्या बताऊं? सुंदरी बहुत चालाक हो गई है, इस बार मना कर दिया, बोल रही थी कि पहले अपना घोंसला बनाऊंगी। तभी कालू कौवा कहता है, ये क्या पत्नी जी, अब क्या होगा, सर्दी आने तक वो चिड़िया अपना ही घोंसला बना पाएगी, फिर हमारा कब बनेगा? तभी गौरी कहती है, बनेगा बनेगा, और वो भी सर्दी शुरू होने से पहले बनेगा, आप चिंता ना करें। पत्नी जी, मैं आपका पति हूँ, मुझे तो बता दे, हमारा घोंसला कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? तभी गौरी कहती है, वो तो जब बन जाएगा तभी देख लेना, बताने में कैसा मजा, बस इंतजार करो। ऐसा बोलकर गौरी कौवी वहाँ से सैर पर निकल जाती है। रास्ते में कबूतर अपना गरम घोंसला बनाने में बिजी था, तभी गौरी कौवी उनके पास रुकती है। कबूतर, तुम अपनी पत्नी से कितना काम करवाता है, मेरे पति को देख इस बार घोंसला खरीद कर लाएगा, मेरे बारे में कितना सोचता है। तभी कबूतर कहता है, गौरी कौवी, आप जाए यहाँ से और हमें हमारा काम करने दे। तभी गौरी कहती है, जाती हूँ जाती हूँ, रुकना भी कौन चाहता है, लगी रहो कबूतर बहन, लगी रहो, अभी तो आपका घोंसला आधा ही बना है। फिर हंसते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इधर कबूतर की पत्नी कबूतर पर भड़क जाती है और अपने पति से कहती है, आप कितने कंजूस हो, और उस गौरी की पति को देखो, उसका पति कितना ख्याल रखता है, घोंसला खरीद कर लाने वाला है। तभी कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, सुनिए जी, आपको तो पता है मेरा काम ज्यादा अच्छा नहीं है, इन दिनों खाली ही रहता हूँ, फिर अपना घर बनाने में क्या बुराई है। ऐसा कहकर कबूतर अपनी पत्नी को समझाता है। गौरी उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है और उसके पति टुन्ना चिरा से कहती है, टुन्ना भाई, आपको पता है हमारा पति पूरे 500 रुपए देकर हमारे लिए बना बनाया हुआ घोंसला ले रहे हैं, आप कैसे मेहनत करके अपना घोंसला बना रहे हो, थोड़ा पैसा खर्च भी कर लिया करो। तभी टुन्ना चिरा
गौरी से कहता है, गौरी मेरे पास सर्दियों में दाना खरीदने के लिए ही बस पैसे इकट्ठे हुए हैं, और मैं अगर घोंसला बना बनाया खरीद लिया तो बिन पैसे मैं क्या खरीद कर खाऊंगा, इसलिए मैं खुद से ही बना रहा हूँ। तभी गौरी कहती है, बनाओ बनाओ, मैं तो पूरे जंगल की सैर कर मजे ले रही हूँ, मुझे क्या चिंता। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इधर गौरी कौवी पूरे दिन जंगल में घूमती रही और शाम होते ही अपने घर चली जाती है और हंस हंस कर अपने पति से कहती है, पति जी मैंने सब पक्षियों की खूब हंसी उड़ाई, बड़ा मजा आया, कबूतर और उसकी पत्नी तो झगड़ने भी लगे। सच में गौरी, वो तो ठीक है तुम जो भी करती हो, लेकिन अपना घोंसला कब बनेगा, मुझे तो चिंता हो रही है। तभी गौरी कहती है, मैंने आपसे कहा ना हमारा घोंसला बन रहा है, आप चिंता ना करें और मेरी तरह मौज मस्ती करें। गौरी कौवी ऐसा कहकर अपने पति को चुप करा देती है और सारा सारा दिन सैर करने में बिताने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सभी पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया था, सर्दी भी शुरू हो जाती है। अब सब पक्षी अपने गर्म घोंसले के अंदर बैठे थे। बेटा कहता है, मम्मा सच में इस घोंसले में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, ये चारों तरफ से बंद है। हाँ बेटा, इसलिए तो हम ऐसा घर बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनता है। उधर कालू और गौरी ठंड में अपने घोंसले में बैठे थे। तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी बहुत ठंड लग रही है, कहाँ है आपका घोंसला। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू बस तोते के जाने का इंतजार है मुझे, जैसे ही वो भोजन लाने जाएगी मैं उसका घर चुरा लाऊंगी और उसे पेंट कर दूंगी, जिससे तोता पहचान भी नहीं पाएगा। तभी कालू कहता है, हाँ हाँ गौरी, तब तो मिठू तोते और उसकी पत्नी पहचान भी नहीं पाएगी, वाह वाह क्या दिमाग लगाया है। ऐसे कालू गौरी तोते के घोंसले पर नजर लगाए बैठे थे। जैसे ही तोता अपनी पत्नी के साथ बाहर जाती है, कालू गौरी उसका घोंसला चुरा लेती है और उस पर पेंट कर देती है। तभी गौरी कालू से कहती है, देखा कालू आ गया ना अपना घोंसला और हमें बनाना भी नहीं पड़ा। और कालू गौरी खुशी खुशी तोते की घोंसले में चले जाते हैं।